जब वो बेशर्मी से अपना गुनाह कबूल कर रही थी तो आपको कौन से गुनाह की माफी मांगनी पड़ी? क्या मतलब कबूल कर रही थी? किस बात का खौफ था? ऐसा क्या खौफ था जो वो आपकी बेटी के बारे में धमकियां दे रही थी और आपको अपनी ही बेटी बी की तरह मांगकर लानी पड़ी? भाई आप सीधी तरह पुलिस को इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं दे रहे? रायद ऐसी बात नहीं। ऐसी बात है सोहेल भाई, एक्चुअली आप मीडिया के होने वाली बदनामी से डर कर उसके आगे हाथ जोड़े। वही लड़की जिसने आप पर उंगली उठाई थी और आपकी बेटी परी उसके पास नहीं है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, सुना आपने? हाँ पारा, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, प्लीज मुझे मेरी बेटी लौटा दो। आप कहे ना इसे कहे कि मेरी बेटी लौटा दे, प्लीज पारा मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। परी हुस्ना के पास है, पुलिस पहुंचने से पहले हुस्ना को खत्म कर दो। उसकी लाश तो क्या, उसका बाल भी पुलिस को नहीं मिलना चाहिए।